हेलो फ्रेंड्स, होपफुली ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपनी ब्लैंक टूल के जो पार्ट वन था, हमने जो जिसमें टाइप प्लेट और बेस प्लेट तैयार करी थी, उससे आगे बनाना शुरू करेंगे। कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब टाइप प्लेट बनने के बाद उसकी स्टिपर और पंच प्लेट और टॉप कैसे तैयार किया जाता है, और उसमें कौन कौन से और पार्ट्स इन्वॉल्व करे जाते हैं उसकी अलाइनमेंट के लिए और असेंबली के लिए और प्रेशर के लिए। तो दोस्तों, चलो चलते हैं। जैसे कि ये हम आप देख सकते हो हमारी वीडियो में, इसका डाई ब्लॉक और बेस तैयार है। इसके बाद हम इसकी स्टिपर तैयार करेंगे। अब हम इसी के रेफरेंस पे तैयार कर सकते हैं इसकी स्केच। ओके ओके, दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट कर हम इसकी, दोस्तों ये वाले होल भी लेंगे इसकी गाइड पिन के, ये सारे अलाइनमेंट के लिए दोस्तों। और ये कैविटी जिसमें से हमारा पंच चलेगा, और दोस्तों जैसे ये हमने स्टॉपर पिनें लगाई हैं, इसके भी होल हमारे स्टिपर में पार होते हैं। जो हमने जरूरी नहीं पार हो, एक लिमिट तक आप 5 से 7 mm भी हम फ्री कर सकते हैं उसे। जैसे कि ये हो गया अप्लाई पेंसिल फिनिश स्केच फॉर्मर लेयर सेटिंग, ये दोनों हम अपना हमारे टाइप प्लेट और बेस प्लेट को हम हाइड कर देंगे। दोस्तों इसे इनको हाइड करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें पता लग जाता है हमें किस पे काम करना है, और दूसरा प्रोजेक्ट उससे डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए हम इसे हाइड करने के लिए लेयर में डाल देते हैं, ताकि हमें जितना फंक्शन फिर ओपन करना हम कर सकते हैं। स्टिपर प्लेट है इसकी थिकनेस दोस्तों 25 mm रखेंगे। दोस्तों इसके बाद हम इसकी एक पंच प्लेट तैयार करेंगे। पंच प्लेट के लिए हम इसमें प्लेन तैयार करेंगे, एट ए डिस्टेंस उसे कम से कम 30 mm की हाइट पे दोस्तों। अप्लाई देन स्केच ओके, दोस्तों जैसे इसके बाद हम इसी को ही आगे प्रोजेक्ट कर लेंगे इसे। अप्लाई
कैंसिल फिनिश। और दोस्तों इसकी भी हाई एक्सट्रूड करेंगे हम, इसे पंच प्लेट हम करेंगे कम से कम 25 mm मोटी। दोस्तों जैसे कि इसमें हम भी स्केच बना रहे हैं, ये वाला स्केच में ही हम इसमें 4 होल और करेंगे। दोस्तों जैसे कि इसके ऊपर दस का दिल करेंगे इसमें दोस्तों, 10 का नहीं 100 बल्कि 16, क्योंकि हम ज़्यादातर जो स्लीव के होल होते हैं इनमें दोस्तों हम एक स्लीव डालते हैं जो इस दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि अगर 10 का बोल्ट है तो वो 16 की हम स्लीव डालते हैं और 16 की स्लीव में एक 10 का ड्रिल करके उसमें बोल्ट डालते हैं जिसकी टैपिंग हमारी स्टिपर प्लेट में होती है ताकि ये बोल्ट खुले ना, इसलिए इसका मेन फंक्शन ये होता है दोस्तों। इसलिए हम यहाँ जो बोल्ट स्लीपर को टाइट स्टिपर प्लेट को और पंच प्लेट को टाइट करते हैं उसके अंदर हम स्लीव डालते हैं। तो ये 4 हम इसमें स्लीव लगाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसे हम ऑफसेट करेंगे। और इसमें दोस्तों हम 8.5 का ड्रिल मारेंगे, 8.5 एंटर। दोस्तों ये 8.5 का ड्रिल होगा जो हमारी पंच प्लेट और टॉप प्लेट को ज्वाइन करेगा। इसमें हम 8.5 के ड्रिल मार के 10 की टैपिंग कर देंगे और ऊपर 10 का फ्री होल करके उसे टॉप के साथ असेंबल कर देंगे दोस्तों, जैसे कि ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों इसका हम ऑफसेट करेंगे 25 पे अप्लाई।
दोस्तों ये होल होगा जो एक इसमें हम स्प्रिंग डालेंगे, स्प्रिंग डालेंगे इसमें, या आप पीयू की रबड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसको हम 32 का ड्रिल या इसमें बोर कर देंगे हम, ताकि जिसमें स्प्रिंग की स्पेस बन जाए जो थोड़ा सा। ये आप अपने जरूरी नहीं 2500, आप अपना स्पेस देख के दोस्तों फिर ही बनाया जाता है, जहाँ आपकी प्लेट में स्पेस होगा उसी हिसाब से सेटिंग देखनी पड़ती है इसकी। उसको दोस्तों इसे डिलीट, अब इसके एक्सट्रूड सेक्शन में जाते हैं हम, इसमें जो भी हमने लाइन एडिटिंग करी है दोस्तों, ये करा है, ये तो जैसे देखो ये हमारा एक सेक्शन तैयार हो चुका है, और जैसे इसमें एक हमसे मुझसे मिस्टेक हुई है कि ये जो पंच वाली कैविटी इसे अभी कटी नहीं है मुझसे, उसे उसका हो चुका सिलेक्ट ना हुआ हो, उसे हम एक्सट्रूड जाके इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये कैविटी आ गई है दोस्तों, और हमारे ये थे दोस्तों, मैं इसमें बोल्ट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आपको एक पिन बना के दिखा दूंगा जिसको आप देख सकते हैं ना दोस्तों बता रहे, क्योंकि अगर मैं बोल्ट वगैरह बनाने लगा उसमें काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो बोल्ट को कैसे बनाते हैं वो भी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों आप। इसके लिए ऐसी कीजिए, मेरी गाइड पिन है, ये तीनों की अलाइनमेंट के लिए होती है दोस्तों, डाई प्लेट और गाइड प्लेट और पंच प्लेट, ये सभी की अलाइनमेंट होती है दोस्तों, इसलिए ये सीधी हमारी डाई में ही जाती है। अप्लाई, और उसके बाद ये जो स्लीव वाले बोल्ट होते हैं दोस्तों, ये हमारे इसमें आके टाइट हो जाते हैं, एक स्लीप का बोल्ट दोस्तों मुझसे भी हो सकता है सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम पिछले एक्सट्रूड में जाएंगे अपने प्रीवियस में, एक्सट्रूड और इसमें एक स्प्रिंग डाल देंगे दोस्तों, जैसे कि जो स्प्रिंग ये हमारे हेलिक्स को इसे अज्यूम कर लेते हैं कि दोस्तों स्प्रिंग, मैं इसमें पीयू के रबड़ का यूज़ करूँगा, तो इसलिए एक्सट्रूड स्केच करेंगे
दोस्तों जैसे कि इसमें उन्होंने 32 का बोर करा, तो हम इसमें 30 की प्यू की रबर डालेंगे, क्योंकि जब स्ट्रेंशन में प्यू फैलती है तो इसमें उसे स्पेस चाहिए होता है, इसलिए हम ये बोर बड़ा करते हैं इससे। इसलिए अब उसके बाद फिनिश एक्सट्रूड, और इसे हम कम से कम 5 mm का एडिशनल प्रेशर देते हैं दोस्तों, ताकि स्प्रिंग को एक्सटेंशन मिल सके। तो ये 5 mm प्लस होती है और इसे हम अप्लाई कर देंगे दोस्तों। हम जाएंगे अपने फॉर्मेट लेयर सेटिंग, इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर करेंगे स्केच। दोस्तों जैसे कि ये हमारे स्लीव के होल हैं, ये होंगे कम से कम, और उसमें 20 हैं, तो हम इसे 22 टायर का कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये वाले हमारे होल हैं जो इसमें टैपिंग हुई है हमारी टॉप पंच प्लेट में, उसके लिए हम 10 का इसमें फ्री होल करेंगे, ताकि जिसमें बोल्ट लगा के हम इसे टाइट कर सकें। फिनिश स्केच, और इसकी हम हाइट रखेंगे एक्सट्रूड कम से कम 40 mm। अप्लाई, फॉर्मेट लेयर सेटिंग, और दोस्तों जो कि इसका पंच है इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। इस प्लेट पंच प्लेट के बराबर आएगा दोस्तों ये पंच इसका, और माइनस में नहीं बल्कि ये स्टिपर के कम से कम 1.5 से 1 mm तक हम इसे अंदर रखते हैं दोस्तों। और इसका टॉप हो गया दोस्तों इस तरह से, ये हमारा एक ब्लैंक टूल तैयार होता है दोस्तों। ये अगर इसमें हमने 4 गाइड पिन डाली, इसलिए बहुत से कम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग इसमें गाइड पोस्ट का यूज़ नहीं करते। अगर आप लगाना चाहते हो तो इसके सेंट्राइज में आप इसके गाइड पोस्ट भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए, आज की वीडियो हमने डिस्कस करा कि किस तरह से हम एक ब्लैंक टूल का डिज़ाइन तैयार करते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ जरूर डिस्कस करना, अगर पसंद ना है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, प्लस प्लीज़ शेयर जरूर करना कि आपके व्यूज़ क्या हैं इसके रिगार्डिंग। और आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड टूल के बारे में बताऊंगा, कंपाउंड टूल क्या होता है और उसको डिज़ाइन किस तरह से तैयार किया जाता है।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, ओके बाय बाय, थैंक यू।